आग लग गई राहुल, अबे आग लग गई, आग लग गई। माफ कर दो भैया, मोदी जी हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो मोदी जी हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो। वाओ लाल लाल का फल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून हो रहा है। सो फिर अगेन हम आ पहुंचे हैं अपने गांव उत्तराखंड स्वर्ग मानिला, और इस बार पूरी फैमिली के साथ आया हूँ मैं। मम्मी, मेरी बहन, उसकी बेटी और भाई भी कल परसों आ जाएगा, क्योंकि उसको ऑफिस की छुट्टी नहीं मिलती। इस बार का जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारे चाचा और चाची जी की 25वीं एनिवर्सरी है। सो अभी काम चल रहा है यहाँ पर। ये हमारे चाचा जी, ये ब्लू वाले उनके सुपुत्र, और ये दोस्त अपना राहुल। तो इस खेत में पूरा खाने की तैयारी कर रहे हैं पूरी। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है जी? जिंदगी में काटे तो जान नहीं रहे, हाँ काट रहे। हाँ जी भागुनी जी, काम कर लो कुछ। जी जी जरूर। और वो हमारे चाचा जी, देखो अपनी शादी की खुद तैयारी करते हुए। तो ये पूरा खेत है भाई, ये वाला अपना घर है ऊपर का, और इसके जो बगल पे घर है वहाँ लगेगा टेंट पूरा, और यहाँ खाना आना बनेगा, खाना आना खिला जाएगा, डीजे से लगेगा। तो फुल 25वीं एनिवर्सरी की प्लानिंग चल रही है पूरी, और ये है 28 तारीख की, आज है 26 तारीख, तो आज इसकी तैयारी चल रही है पूरी। तो आज का हमारा मेन जो टास्क है, पहले जो ये पेड़ ये झाड़ियाँ सी ये काट रहे हैं हम, इनको काट के फिर इनको जला देंगे, और फिर यहाँ पर सफाई फाई करेंगे। अभी आपको ये जगह ऐसी दिख रही है, थोड़ी देर बाद बहुत साफ दिख जाएगी, और कांच की बोतल वोतल भी पड़ी हुई है, कूड़ा वूड़ा सब पड़ा है, सब साफ हो जाएगा, अभी साफ सब क्लीन हो जाएगा। अरे ऐसे क्यों फेंक रहा है बोतल यार, क्यों क्यों इतनी क्यों? माफ कर दो भैया, मोदी जी हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो मोदी जी हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो। स्वच्छ भारत अभियान चला रखा हमने, तुम ऐसे कहा हरकत कर रहे हो। भैया मेरे हाथ से निकल गई भैया, मैं क्या बताऊं भैया, मैं तो मर ही गया भगवान। तो भैया आग लगा दी है, वैसे आग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, प्लीज कमेंट करें, क्या कहते हो आप, क्या करना चाहिए मानसू जी? दूसरों की जिंदगी में जरूर लगानी चाहिए, ऐसे नहीं लगानी चाहिए, दूसरों की जिंदगी में आग लगानी चाहिए। तो भाई अब क्या करें, यही साधन है भाई, अब कूड़ा उड़ा ऐसे जलाना पड़ेगा हमें, तो ये हम जला रहे हैं। आग लग गई राहुल, अबे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। राहुल पानी ले क्या भाई, आग लग चुकी है बहुत गंदी, ये मजाक मजाक में राहुल ने आग लगा दी है। आग लगा दी भाई, ये बहुत गंदी आग। राहुल जल्दी पानी लेके आ यार, मजाक मजाक में तूने बहुत गंदी आग लगा दी। मैं किसकी जिंदगी में आग लगा, यहाँ क्यों आग लगा रहा है, आग लग चुकी है बहुत गंदी। और अब हम आपको मिलाएंगे सबसे प्रिय, सबसे प्रिय हमारे टैन टैन। आप कौन हो, अपना नाम बताओ पहले। और तो मामा के ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे आप? आप क्या आज काफल तोड़ के लाई हो? दिखाओ जरा, पॉलिथीन खोल के दिखाओ लोगों को काफल कैसे होते हैं। मैं दूसरी पन्नी लाई हूं। तो देखो भाई ये होते हैं काफल, ये देख रहे हैं आपको, वाओ लाल लाल काफल। मामा उधर देखो आपकी आग बुझ रही है। ये आग किसने लगा दी, तुमने लगाई आग मुझे लग रहा है। सर बता दो किसने लगाई आग, गलत बात है ना आग लगाना जंगल में। चलो सॉरी बोल दो अपने आप को। सो भाई ये है काफल, इसमें गांव का नमक और इसमें मिलाते हैं सरसों का तेल, मजा आया था, मजा आ गया भाई काफल का। क्या भानु कैसा लग रहा है गाँव के? अच्छा। सही बताओ, और जो तुमने गाड़ी में इतनी उल्टी करी क्यों करी? बता, ज्यादा खा लेता है? उल्टी कैसे आई आपको? ओ देखो हमारी बहन लकड़ी ले आई है, हमारी बहन लकड़ी ले आई है, अब आपको दिखाते, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, देखो ये देखो लाइव, ये देखो। हेलो, मुंह क्यों छुपा रही है? तो जेंट्स पार्टी यहाँ काम कर रही है ये वाला, और लेडीज पार्टी ये काम कर रही है, लकड़ी लेके आ रहे हैं सब लोग। चाची सफाई कर दी मैंने पूरी, आओ जल्दी आओ, आओ 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 आओ। तेरा इंतजार अभी तो था बेटा। हाँ बेटा आएगा यहाँ सफाई करेगा। तो भाई देखो यहाँ सिलेंडर ज़्यादा यूज़ नहीं होता,
क्योंकि सिलेंडर कौन इतना यूज़ करे, तो यहाँ लकड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ये हमारी निक्की बहन, ये देखिए गाँव की हमारी दीदी है, चाची। ओए किसने बॉल मारी मुझे, किसने बॉल मारी मुझे। दो लकड़ी लेके आ चुके हैं सब लोग। मारो तुम भी लकड़ी ले आओ। अबे यार तू कुछ काम तो करती नहीं है। चाची से पूछो, चाची से पूछो। तो भाई लकड़ी आ चुकी है हमारी, देखो यही रख दो सारी लकड़ी, यही रख दो, फिर कौन ऊपर नीचे करे। इनके ऊपर वो लगा, बारिश आएगी ना चाचा, बारिश आएगी तो क्या बोल गए यार मम्मी तेरी, क्या बोल गई यार, दोबारा बोलियो। गाय हमारी माता है, तुझको कुछ नहीं आता है। हेलो 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 आंटी, तुम फोन में हेलो कैसे हैं? ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। अरे तुमने भी अपना योगदान दे दिया लकड़ी लाने में। चलो चलो वहाँ रखो अभी लकड़ी अपनी, चलो आइए। तो भाई देखो बानू ने भी अपना योगदान दिया है, ये भी काम कर रही है। काम पूरे जोर से चल रहा, जाओ एक हाथ और लेके आओ, जाओ। ये बोतल कौन पीता है यहाँ पर ऐसी, तेरे हाल होंगे। चिपक गया तेरे भाई, मैंने इसको काटा लगता है, काटे होते हैं जो काटे हैं। तो भाई अब ये दोनों थक चुके हैं, मतलब एक जना थक चुका, मेरी बारी है, आओ शुरुआत करते हैं। आइए जो बोला था उसे तो काट दे। काटू क्या, इससे नहीं कटेंगे ये, वो काटने बड़े बड़े, वो काटने बड़े वाले। राहुल तू ले बड़े बड़े काट दो। हाँ मैं हार मानता हूँ। मैं तो थक गया लेकिन एक चांद जो भाई क्या हो गया, कुल्हाड़ी तोड़ दिया। इधर आया था, इधर धूप में, इधर आ चाय में, क्या हो गया भाई ने इतनी मेहनत की, कुल्हाड़ी तोड़ दी बीच में से यार। भाई थक गया भाई मैं तो। अरे तू क्या खा रहा है, लोटे चोको पाई। इधर आ, लोटे चोको पाई। तेरे पापा का नाम क्या है? धीरज। धीरज तो धीरज, धीरज को बोल दे मारूंगा बहुत। सुन सुन, डर गया क्या? अबे डर गया चाचा पूरे जोरों से काम कर रहे हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट हम चला दे रहे हैं। सो नीचे का काम सारा हो गया, अब हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट के दो तीन काम है निपटाने, एक तो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, सिलेंडर भरवाना है, और वो कुछ जो परसों पार्टी है उसका सामान लेके आना है। तो अभी धनु यहाँ खड़ी रहती है, जब भी हम आते हैं अपना घर नीचे वाला आपको पता ही है, वो अपना घर है ये वाला, और यहाँ से व्यू देखो मस्त भाई, बादल लग रहे हैं, बारिश आने की पूरी संभावना है। मेरा सिलेंडर आ चुका है, अरे दोनों भागते जा रहे हैं, आओ बेटा आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। गैस गोदाम पहुंच गए, अब ये पता नहीं है, ये गैस हाउस है भाई, गवर्नमेंट का मस्त बना रखा है,
मस्त है भाई, जगह बहुत अच्छी है। और एक गैस गोदाम हम पहुंचे, यहाँ ताला लगा है, यही है यहाँ का, हमारे यहाँ का गैस गोदाम। देखिए अब देखते हैं, भाई भाई पता करने गया है, अगर खुला होगा तो सही है यार, काम नहीं पड़ जाएगा तो सिलेंडर चेंज हो जाएगा। ये पुराना वाला सिलेंडर दे देंगे, वो नया वाला सिलेंडर ले लेंगे। और यहाँ राहुल तूने कितनी जगह पॉटी कर रखी है भाई, इतना हकता है क्या तू? साले खुले में सोच कर रहा है, मूत्रदान भाई। काफल तो काफल ही, कहाँ कहाँ लगे काफल? हाँ काफल लगे भाई। सो भाई भैया जी आ गए, खुला हुआ था अभी 5 बजे, 5-6 बजे तक खुला रहता है। वहां से कौन सा उठाना है? उधर वाले से उठा ले, भरे हुए से नापेगा कैसे, नापाई होंगे तो। और ये भरे वाले सिलेंडर बचे, ये सारे खाली सिलेंडर है। तो यहाँ से बाहुबली, चलो पैसे दे दिए, हो गया सब, चलो। तो भाई जिस काम के लिए आए थे फाइनली वो काम हो गया, तो ये अच्छा हुआ। हिमालय, ओए पता वहां से भी हिमालय दिखेगा, बादल आ रखे वहां से, हाँ तो यहाँ से दिखेगा, नहीं वहां से दिखेगा, लेकिन बादल है तो नहीं, वो भी करो बादल नहीं दिखेगा यार, कल आके देख लेंगे, छोड़ो। तो भाई अभी मौका मिलेगा तो, सर्दियों के टाइम में तो बादल होते हैं, अभी भी दिख रहा है भाई आते टाइम, हैं क्या कह रहा है? सर्दियों के टाइम पे देखते हैं, अभी बादल उधर साइड को होते हैं ना। अच्छा तो भाई ये कह रहा नहीं दिखता, तो चलते हैं वापस अभी, ये क्योंकि रहा है ना गांव में, कितने साल रहा है तू? 13 साल रहा है। सो भाई हमारा पोपट कट गया, भूख लग रही है बहुत ही, और यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा। हमने रतखाल मार्केट में देखा, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा। और ये जो मानला मंदिर है यहाँ का मेन, यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर भी ये मार्केट है, ये भी मतलब बंद होने वाली है। करे भाई हम पे खाने कुछ नहीं है, पेप्सी पी लो अगर पीनी है तो, और वो हम पियेंगे ठंड में, तो अब घर ही जा रहे हैं। घर से फ़ोन आ गया, चाउमिन ले आना, मोमोज ले आना, मैंने कहा ले आता हूँ सब, और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। और यहाँ थोड़ी सी फोटो शूट चल रही है, आई लव मानला, हमारे विधायक जी ने बनवाया है, ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ पेंटिंग चल रही है, देखो लाइफ। राहुल जरा दिखाओगे बाहर से? भैया बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, तो भाई जी की भी बहुत अच्छी पेंटिंग। सो भाई जब भी मैं गांव आता हूँ तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है, बहुत ही सुंदर। एक तरफ कौन से पेड़ है? देवदार। कौन से देवदार के पेड़? इधर देवदार के पेड़ हैं सारे, और इधर चीड़। चीड़ क्या होता है? पाइन। अच्छा, और ये बीच में प्यारी सी सड़क, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, ये रोड आप ही देखो है ना, मस्त ऐसे बैठ जाओ जैसे गाड़ी आएगी, ये देखो क्या व्यू है भाई, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और तुम दोनों कहाँ चले? जी तो आपने जिस जगह देखी है तो कैसा लग रहा है आपको ये? बस दिल के बहुत करीब है ये जगह। और भाई जैसे अपनी दिल्ली और गुड़गांव नोएडा इतना पॉल्यूशन है, यहाँ पर इतना सुकून है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई देखो ये लोग तो ना वो बदतमीज हैं जो इतनी अच्छी जगह को भी ख़राब कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इनको तमीज़ ही नहीं है क्या? ये देखो ये तुम जैसे लोग हैं, मतलब भाई तुम पीते भी हो, चलो अच्छी जगह आराम से बैठ के पियो, कम से कम ये कूड़ा तो मत लाओ। हम उधर ही जाऊं, आधे इकट्ठी कर रखे हैं, वहाँ बोतलें इकट्ठे कर रखी हैं सारी। अबे यार ऐसी मतलब इतनी प्यारी जगह, मतलब आप लोग आओगे ना कितनी प्यारी जगह। पानी पीता हूँ या तो बोतल भी नहीं। क्या कह रहा है? मैं केवल रियल नीर का पानी पीता हूँ। लेकिन देखना कितने गंदे कांच कांच तोड़ गया भाई, कोई आएगा कोई बैठेगा, मतलब यहाँ से जोड़े में कांच चुभ जाएगा, कोई आएगा यहाँ आराम से बैठेगा, लेकिन एक गंदगी देख के ना भाई, तुम आते हो मजे लो जगह के, लेकिन कम से कम गंदगी तो मत करो यार। मेरे साथ डस्टबिन लेके आ जाओ और एक पॉलीथीन लेके आ जाओ, उसमें रख लो, बाद में किसी डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन भाई और जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, और ये पूरे पेड़ों के बीच में देखो इतने लंबे लंबे पेड़ है। सो उधर चीड़ के पेड़ है, ये कौन से पेड़ है? देवदार के। देवदार के
देवदार। लेकिन यहाँ इतना अच्छी होती है उसकी, किस चीज के लिए? फर्नीचर बनाने की क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा फर्नीचर, अच्छा जो देवदार का पेड़ यही होता है वो? ये तो कोई और पेड़ कहते हैं यार, कौन से पेड़ कहते हैं वो? सीलम, वो सीसम, सॉरी सीलम कह रहा हूँ, सीलम सॉरी। इनकी अच्छी है वो तो, सबसे महंगा मतलब लकड़ी होती है सर, उससे ही महंगी लकड़ी होती है ये। पहले अंग्रेज नहीं थे, उसको काट के ले आते थे रेलवे ट्रैक में लकड़ी बिछाने के लिए। अच्छा, जो काट गोदाम नाम पड़ा है, हाँ। और ना काट मतलब लकड़ी गोदाम, हाँ। काट गोदाम। अच्छा, तो वहाँ नदी के सारे पहले काट गोदाम था, वहाँ से लकड़ी जाती थी ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती थी, पानी से खराब नहीं होती जल्दी। ओके, और भाई यहाँ ये, और यहाँ पर हमारे गाँव वाले लोगों ने ऐसे जानवरों के लिए ये बना रखा है ना, क्या कहते हैं इसे, मतलब एक जानवरों के लिए नहीं, तीन चार चीजें फायदे हैं। एक तो जंगल की आग लगने से बचेगी, अच्छा पानी भी रहेगी पूरी जंगल, हाँ ये बात है, के लिए भी रहेगा, जानवर जंगली जानवर पी सकते हैं पानी, हाँ, जंगली जानवर के लिए पीने के लिए, और मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता रहेगा। तीन चार फायदे के लिए ऐसी बहुत जगह गांव वालों ने आजकल ये बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तुझ पे 10 लीटर की सेन आ रही है, हम सिलेंडर और लिया है चारों। भाई ये मेरी बहन इतनी तेज है, बच्चों को बातें में लगा लगा के उनसे काम करवा रही है कि तुम अच्छा करती हो, तुम अच्छा करती है, है ना, काम करवा रही है ना ये। पकड़ी गई, ये तो रोता ही रहता, ओए बोल दो ने पापा को, कम बोला कर, कम बोला कर, कम बोला कर तू, सुनो ए पोकेमोन, पोकेमोन के शक्ल के। भाई ये लड़का बहुत तेज है। हेलो हेलो, यू आर बफेलो, हेलो यू आर बफेलो, हेलो हेलो बैगमैन। सो गाइस अभी शाम हो रही है, खाने बनने की तैयारियां हो रही है, और अपने ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फैला देना, बाय बाय। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे, तुम्हारा बोलियो, वो कह रहा है हेलो, नहीं बोलो बोलो, अच्छा अच्छा, ये कुछ बोलना चाहेगा इस, प्लीज बोल दो, प्लीज सेवन बोल दो, अच्छा सर मैं बोला सर, चुप रहे ऐसे बोलेगा मुझे, चुप रहे, तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी फिर, नहीं लगनी चाहिए दोस्ती, लगनी मुझसे खत्म दोस्ती, पक्का चल फिर आ, ऐसे कर ले फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी, अबे उस हाथ से कर, चुप रहे वे, उंगली तोड़ दूंगा तेरी, ज्यादा बोलेगा तो तो तेरी मेरी कट्टी हो गई फिर है, हाँ। और तेरी बॉल भी नहीं दूंगा मैं जो मैंने खोई है, अरे जा यार चल चल चुप रह लो, देखो इससे किसने बोला इधर, तो भाई हमारी दोस्ती खत्म हो गई, बाय।